अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का अपना व्लॉग का मैं स्टार्ट यहीं से करूंगी। देख लें, मैंने चुन्नू मुन्नू को जो है वो बाहर खोला हुआ है अभी, और इन लोगों के लिए मैं थोड़े बहुत चावल लेकर आई थी, तो वो मैंने इनको अभी डाले हैं और ये लोग मज़े से चावल इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करूँ। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, ये चुन्नू मुन्नू तो आप लोगों ने देख लिए हैं, अब हम चलते हैं। और मुझे आप लोगों को एक बात भी बतानी है आज के अपने लैला और उसके बच्चा पार्टी के बारे में, और वो ये है कि लैला और बच्चा पार्टी को जो है वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, देख लें आप लोग। और चुन्नू मुन्नू की ये जगह थी, लेकिन मैंने उनको हटा दिया यहाँ से, यहाँ पे इसको और उसके बच्चे के साथ सबको शिफ्ट कर दिया है। और माशाल्लाह से ये काफ़ी हेल्दी और एक्टिव लग रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये काम दोस्तों मैंने इसलिए किया है क्योंकि नीचे जो है वो अब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, और फर्श जो है वो रात को बहुत ठंडा हो रहा होता है, तो इन छोटे बच्चों के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस वजह से मैंने जो है वो इसको और इसके बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और चुन्नू मुन्नू को जो है वो सामने जो नीचे वाला केज है इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, जो ये वाला केज है। तो इस वजह से और अब ये जो है वो यहीं रहेगी। और ये देखें माशाल्लाह कैसे बैठ गई है अपने बच्चा पार्टी को लेकर। और यहाँ फर्श पे इनके घूमना भी सही नहीं है इन बच्चों के लिए, अभी जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इनको यहाँ पर खोला करेंगे। तो अभी जो है जब तक हम इनको यहीं रखेंगे ताकि इनकी माँ भी इनकी अच्छे से केयर करे और इनको ठंड भी ना लगे और ये बीमार भी ना हो। और मोमो माशाल्लाह बैठी हुई है हमारी अंडों के ऊपर, और जैसे ही मैंने देखा इसको तो इसने एकदम गुस्सा करने की कोशिश की। और इसके भी इंशाल्लाह दो तीन दिन बाद जो है वो बच्चे निकल जाएंगे, इसके 4 या 5 तारीख तक जो है वो इंशाल्लाह निकलेंगे, उम्मीद है और पूरे निकलेंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी दुआ करिएगा। और पिंकू और चिंकू को देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखें पिंकू फ़ौरन भाग के आ गया जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला इनके पिंजरे का, और वहाँ पर भाग के चले गया। ये दोनों भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हुए हैं और आराम से खाते पीते रहते हैं, पूरे पिंजरे में घूमते रहते हैं। काफ़ी बड़ी इनको जगह मिल गई है, इनके साइज़ के लिहाज से ये खुद तो छोटे छोटे से हैं, लेकिन इनको जगह जो है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल गई है। और वहाँ तोतों के पिंजरों में ये घुसते रहते हैं, वहाँ पे देखते रहते हैं वो लोग इनकी एक्टिविटीज़, और इन दोनों को बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह मेरे बजी सारे नीचे आए हुए हैं, अभी खाना पीना खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। छोटे बच्चे भी इनके अब सारे यहाँ आ गए हैं नीचे, तो इस वजह से ये माशाल्लाह ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये देख लें अभी सारे बड़े जोड़े जो हैं मेरे वो भी जो है वो देखें सामने टिंकू मिंकू बैठे हुए हैं, उसने भी अंडे दे दिए हैं माशाल्लाह। और ये जो है बच्चे इनके सारे बैठे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये रात के वक्त जो है वो उड़ के यहाँ ऊपर आके बैठ जाते हैं। ये तोती बैठी हुई है सामने, इसने भी दोबारा अंडे दे दिए हैं माशाल्लाह। और ये इनके बजीज माशाल्लाह छोटे छोटे बेबी बजीज हैं सारे, और बहुत क्यूट लगते हैं ये माशाल्लाह। खाने पीने लगे हैं अब खुद और काफ़ी उड़ उड़ रहे हैं आजकल ये पिंजरे के अंदर। और ये चुन्नू मुन्नू को देखें घुस गए हैं शेरदिल मलका और रानी के पिंजरे में, और खाने पीने में लगे हुए हैं कुछ। और अभी शेरदिल रानी और मलका बाहर हैं, तो इस वजह से इन्होंने इनके पिंजरे में आराम से मज़े करने शुरू कर दिए हैं। और वो देखें चुन्नू कैसे खा रहा है उनके दाने के बर्तन में से। तो अभी हम चलते हैं बाहर चल के अपने शेरदिल मलका और रानी को भी देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और ये देख लें दोस्तों माशाल्लाह शेरदिल रानी और मलका यहाँ खा रहे हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे पापा इनके लिए, वो काट रहे हैं और ये मज़े से खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं तीनों। ये देखें रानी ने कैसे मारा जाके मलका को, और शेरदिल जो है वो इन दोनों को खिलाने में लगा हुआ है, खाने में भी खुद भी, लेकिन ना ये रानी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है और ये जो है वो मलका को मारने लग गई है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब इस रानी को भेज देना चाहिए हमें यहाँ से, और रानी को जो है वो सेल करना चाहिए अब इसको। दोस्तों रानी बहुत ज़्यादा मार रही थी मलका को, तो इसलिए मैंने इसको अंदर ले लिया यहाँ पर सेटअप में, इनको इसको यहाँ छोड़ दिया। चुन्नू मुन्नू यहाँ घूम रहे हैं, अब ये उनको ना मारे, बस इसकी कोई लड़ाई ना हो चुन्नू मुन्नू के साथ, और ये आराम से घूमते रहें यहाँ पर। और दोस्तों अभी मुर्गी बैठी हुई थी आराम से, मैंने सोचा मैं आप लोगों को खोल कर भी दिखा दूँ बच्चा पार्टी। और ये देखें ये चोंच मारने के लिए आ जाती है अगर मैं इसको जो है वो ज़रा सा भी खोल दूँ दरवाज़ा, और ये समझती है इसके बच्चों को मैं पकड़ रही हूँ। ये देखें बच्चा माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हो गए। और ये देख लें दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे बजीज की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। इनको मैंने अभी चावल भी डाले थे, चावल ही बहुत शौक से खाने लग गए इनको, थोड़े से मैं शाम में ला के डालती हूँ और ये खा के ख़त्म कर देते हैं सारे। और चिंकू पिंकू भी बड़े मज़े से इनको देख रहे हैं वहाँ से, इन्जॉय कर रहे हैं। तो आज की अपनी वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल सना खान बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को।
और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं दोस्तों। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।